पूरी जगन्नाथ महाप्रभु का 56 भोग में से एक रेसिपी आज हम बना के तैयार करेंगे, कानिका। कानिका यानी मीठी भात। गुड़ डाल के ये प्रसाद में बनाया जाता है। मंदिर में तो अनोखी तरीके से इसको बनाते हैं, घर में इसे तो हम कभी नहीं बना सकते, लेकिन सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम कुकर में बना के तैयार करेंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मसाला में ले लेंगे 10-15 काली मिर्च, 5-6 लौंग, उसके साथ ले लेंगे 2 स्टिक दालचीनी का। जायफल मैंने ले लिया है, ये जायफल को पूरा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है। उसके साथ बड़ा वाला इलायची 1 मैंने ले लिया है। ये सब चीज़ को हम कूट के डालेंगे मसाला बना के। 1 टीस्पून ले लिया है जीरा। जीरा को भी ये जो सूखा मसाला पहले हमने लिए थे उसके साथ मिलाएंगे। किशमिश ले लिया है 15 से 20। घी ले लिया है 1/2 कप। मंदिर में जो कानिका बनता है उसमें तो बहुत ज़्यादा घी डाला जाता है, लेकिन हम घर में बना रहे तो हमारे हिसाब से थोड़ा घी का मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ का पाउडर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। मंदिर में जो अखा वाला गुड़ आता है उसको यूज होता है छोटा छोटा टुकड़ा करके, तो ये गुड़ पाउडर भी मैंने ले लिया है टेस्ट के हिसाब से। ये सब मसाला हम यूज़ करेंगे कानिका को बनाने के लिए। 1 कप बासमती राइस को मैंने 20 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा था, इसमें से हम कानिका बनाएंगे। बासमती राइस जो है आधा भीग चुका है, इसको 2-3 बार धो के अच्छे से इसकी पानी को चेंज कर लेंगे। चावल को धो के उसमें जो पानी था उसको मैंने निकाल दिए है। अभी हम मसाला को कूट के तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसको ब्लेंडर की जार में भी ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन इसका क्वांटिटी बहुत कम है, ब्लेंडर की जार में नहीं होगा इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मंदिर में ग्राइंडर वगैरह का तो यूज़ नहीं होता है। इसी तरीके से कूट के मसाला को तैयार किया जाता है। बड़ा वाला इलायची जो हमने लिए है उसका छिलका को निकाल के उसकी सीड्स को ले लेंगे। 56 भोग में से बहुत सारे भोग का रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। जायफल से थोड़ा सा डालेंगे इसलिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ, चीज ग्रेटर से थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। बहुत कम, एक चुटकी भर जायफल का पाउडर चाहिए। सारे चीज को कूटते हुए अच्छे से एक पाउडर बना के तैयार करेंगे। इसमें जब हम कूटेंगे पूरा फाइन पाउडर तो तैयार नहीं होगा, थोड़ा सा दरदरा करके इसको कूट के तैयार करेंगे। मैंने इसमें नहीं मिलाई थी, अभी जीरा को भी डाल देंगे। कानिका के लिए मसाला का पाउडर हमने बना दी है। अभी हम चावल को ले लेंगे। चावल में से जो पानी था मैंने तो निकाल दी थी, इसमें अभी हम पानी वगैरह सब डालेंगे और कुकर में बना के इसको तैयार करेंगे। जितना चावल मैंने लिया है उसका 2 गुना पानी मैंने डाल दिया। 1 कप चावल के लिए 2 कप पानी। अगर आप कढ़ाई में बनाते हो तो आपको 2.5 गुना या 3 गुना पानी देना पड़ेगा। इसमें मसाला पाउडर को पहले डाल देंगे जिसको हमने कूट के रखे थे। गुड़ को डाल देंगे, किशमिश और उसके साथ घी को भी डाल देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे तो मंदिर में जो बनता है वो मिट्टी के हांडी में बनता है और उसमें कोई भी स्पैचुला वगैरह का यूज नहीं होता है, डायरेक्ट सारे चीज उसमें डाला जाता है और कवर करके बस कुक किया जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हांडी से डायरेक्ट निकाला जाता है, कुछ भी मिक्स नहीं होता। हम घर में बना रहे हैं इसलिए अपने तरीके से इसको बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक कुकर ले ली है, कुकर में एक स्टैंड हम रखेंगे। 1.5 ग्लास पानी ले लेंगे। मैं यहाँ इसमें 1/2 नींबू का छिलका डाल दूंगी, ये नींबू को पहले से यूज किया हुआ है, उसका रस नहीं है इसमें। नींबू डालने से कुकर का अंदर स्टीम होने के बाद जो काला हो जाता है, नींबू डालने से वो नहीं होता है, कुकर अच्छे से स्टीम करने के बाद भी साफ सुथरा रहता है। चावल वाला पैन को स्टैंड के ऊपर रखेंगे। स्लो मीडियम फ्लेम में इसको हम कुक करेंगे। कुकर का कवर बंद करेंगे, जब 2 व्हिसिल आ जाएगा फिर हम गैस को बंद करेंगे। 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देंगे। जब अच्छी तरीके से कुकर से भाप चला जाएगा फिर हम ये जो राइस बना रहे हैं उसको निकालेंगे।
दो व्हिसिल आने के बाद कुकर को मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अभी इसमें से भाप जा चुका है तो कुकर का कवर को निकालेंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये जो कानिका है बन के तैयार हो चुका है। और यकीन माने इसमें से एक अच्छा सा खुशबू आ रहा है, क्योंकि जो मसाला हमने डाले थे उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया रहता है। पास से मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो कानिका यानी मीठी भात को मैं कुकर से निकाल के लाई हूँ। इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है। इसमें एक तुलसी का पत्ता रख के भगवान को प्रसाद चढ़ा लेंगे। हमने घर में इसको बनाए इसलिए मैंने इसमें बहुत कम घी का यूज किया है, फिर भी ये एक एक करके बन के तैयार हुआ है और फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है। मंदिर में ज़्यादा घी का यूज होता है और जब मंदिर वाला कानिका हम खाते हैं ना, हाथ में पूरा घी लग जाता है, बहुत सारे घी का यूज होता है। आप भी ये जो कानिका का रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बनाने के लिए ये आसान है और आप देखना खुद फ्लेवर कितना अच्छा इसका रहता है। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।